हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास गेम थ्योरी। गेम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, और आपसे इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनका आंसर हमें सिर्फ वन वर्ड में देना होता है, तो उन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ गेम इज जीरो देन द गेम इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने पास प्योर गेम। द गेम विद सैडल पॉइंट आर, विद सैडल पॉइंट जो गेम होते हैं वो होते हैं हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। अगला है फ्रेंड्स, व्हेन मिनीमैक्स एंड मैक्स मिन सर्ट एरिया मैच इज देन सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। उसके बाद आता है, व्हेन द गेम इज प्लेड ऑन अ पैरा प्री डिटर्मिनेंट कोर्स ऑफ एक्शन विच डज नॉट चेंज थ्रू आउट गेम देन द गेम इज सेट टू बी। इसका करेंट आंसर है फ्रेंड्स प्योर स्ट्रेटजी गेम। क्वेश्चन नंबर फाइव है, इफ द लॉस ऑफ प्लेयर ए आर द गेन्स ऑफ प्लेयर बी देन द गेम इज नोन एज। करेंट आंसर है फ्रेंड्स जीरो सम गेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। गेम विदाउट सीरियल पॉइंट इज प्रोबेबिलिस्टिक, या फिर से करेक्ट आंसर है, गेम विद सीरियल पॉइंट विल हैव प्योर स्ट्रेटजी, ये भी करेक्ट है अपने पास। गेम विद सीरियल पॉइंट कैन नॉट बी सॉल्व बाई डिटरमिनेंट रूल, ये फ्रेंड्स करेक्ट आंसर नहीं है। डोमिनेंस रूल से ही जिनमें सीरियल पॉइंट नहीं होता उन्हीं से हम उनको सॉल्व करते हैं अधिकतर क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और गेम विदाउट सीरियल पॉइंट इज मिक्स स्ट्रेटजी, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन सही है अपने पास, क्योंकि अगर विदाउट सीरियल पॉइंट है तो वो मिक्स स्ट्रेटजी होगी। उसके बाद आता है, इन आर टू पर्सन जीरो सम गेम द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट है, रो कॉलम इज ऑलवेज अ लूजर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रो कॉलम हमेशा लूजर हो, रो कॉलम प्लेयर हो जाता है, वो प्लेयर भी वो विनर भी हो सकता है अगर उसके सारे जो एंट्रीज है रो प्लेयर की पॉजिटिव हो। तो रो प्लेयर के लिए हमें चाहिए सारी एंट्री नेगेटिव हो, तो नेगेटिव होने पर उसका जो गेन होगा और इस कंडीशन में वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अपने क्वेश्चन है अपने पास फ्रेंड्स, इफ आर टू पर्सन जीरो सम गेम इज कन्वर्टेड इन अ लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम देन नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी टू ओनली, या फ्रेंड्स ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी टू ओनली नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं वेरिएबल्स, जितने पर्सन है उतने वेरिएबल होंगे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी टू ओनली करेक्ट नहीं रहा। देयर विल बी नो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा अगर हम उसको लीनियर प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, तो सिंपली हम एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन, वो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। और अगला सी है, इफ रो प्लेयर रिप्रेजेंट प्राइमल प्रॉब्लम कॉलम प्लेयर रिप्रेजेंट ड्यूअल प्रॉब्लम, ये फ्रेंड करेक्ट आंसर है अपने पास। अगर रो प्लेयर है रिप्रेजेंट प्राइम प्रॉब्लम को कर रहा है, तो जो कॉलम प्लेयर होगा वो हमेशा ड्यूअल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और डी अपना ऑप्शन है, नंबर ऑफ कंस्टेंट आर टू ओनली, ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास। अगर अपने पास इन केस इज नो सेडल पॉइंट इन द गेम देन गेम इज, अगर गेम में कोई सेडल पॉइंट नहीं है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स अपने पास जो गेम होगा वो मिक्स स्ट्रेटजी गेम कहलाएगा। व्हेन देयर आर डोमिनेंस इन अ गेम देन, अगर ये डोमिनेंस कब होता है फ्रेंड्स, पहले हम रो में देखते हैं, रो को हम डोमिनेंस कब करते हैं फ्रेंड्स, रो को हम डोमिनेंस करते हैं अगर रो कोई हमारे पास छोटी रो हो, यानी बड़ी रो के करस्पॉन्डिंग एक छोटी रो हमारे पास हो, यानी कि एक ऐसी रो मिल जाए जिसका हर एलिमेंट किसी दूसरी रो के एलिमेंट से छोटा हो, तो उस कंडीशन में उसको डोमिनेंस कर सकते हैं। और कॉलम को किस तरह से करते हैं कि अगर कोई किसी कॉलम का हर एलिमेंट किसी कॉलम का हर एलिमेंट दूसरे कॉलम के हर एलिमेंट से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में हम कॉलम को डोमिनेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हमारे पास आता है, एवरी एलिमेंट ऑफ रो
इज लेस देन करस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो, तो इस कंडीशन में हम डोमिनेंस रूल कर सकते हैं। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है।